तो आज मैं बहुत ही सिंपल सा मिठाई की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं किस तरह से मैं बनाती हूँ सूजी और मिल्क पाउडर का। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, आप फेस्टिवल सब आने का शुरू हो गया तो कुछ तो बनाना पड़ा, तो मैं एकदम सिंपल सा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, रक्षाबंधन स्पेशल। तो चलिए देखते हैं उसके लिए मैं क्या क्या बनाती हूँ, कैसे कैसे, तो उसका इंग्रेडिएंट आप लोग को दिखा दें। तो इसका इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स इस प्रकार से है। एक कटोरी में सूजी ले ली हूँ, एक कटोरी में चीनी ले ली हूँ, आधा कटोरी में मिल्क पाउडर यहाँ ले ली हूँ पतंजलि का है, और आधा कटोरी में घी ले ली हूँ, ये थोड़ा सा सीड्स वगैरह है और इलायची है। और इधर मैं गैस जला ली हूँ और मैं पैन को डाल दी हूँ। अब देखिए मैं अगला स्टेप की तरफ चल रही हूँ। देखिए पैन मेरा गर्म हो चुका है और मैं इसमें घी डाल देती हूँ। मिठाई कोई भी आपको ना घी में ही अच्छा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ आधा से ज़्यादा ही मैं घी, बड़ा चमचा से 4 चम्मच जितना मैं घी डाल दी हूँ फ्रेंड्स। और ये घी मेल्ट हो रहा है, देखिए कितना घी मैं डाल दी हूँ। तो सारा घी मेरा मेल्ट हो चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और मैं इस स्टेज पर ये सूजी को मैं इसमें डाल देती हूँ और मैं इसको 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनूंगी, क्योंकि ज़्यादा भूनने से ना इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो 4-5 मिनट भूनने के बाद देखिए इसका कलर नहीं चेंज करना है फ्रेंड्स, नहीं तो हलवा जैसे हो जाएगा। इसका कच्चापन थोड़ा सा माने मीडियम आँच पर मैं इसको 4-5 मिनट भून ली हूँ। अब मैं इसको गैस से उतार देती हूँ, थोड़ा सा चलाती रहूँगी। तब तक मैं इधर एक ठो भगोना डाल देती हूँ टोपिया। तो इधर ये मैं ये छीने जो है सो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें मैं एक कटोरी चीनी डाली हूँ, तो आधी कटोरी जितना मैं इसमें पानी को डाल देती हूँ। और इसको मैं अच्छा इसका चाशनी नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसका सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। जब मेल्ट हो जाएगा तो मैं दिखाती हूँ। जब तक ये चाशनी बन रहा है तब तक मैं थाली में थोड़ा सा घी को ग्रीस कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये अब करीब करीब पक चुका है, मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा और होगा, जब चिपचिपा हो जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी। तो इधर मैं इलायची पाउडर को मैं कूट ली हूँ, 3-4 फिर इलायची पाउडर मैं डाल दूंगी। इधर इलायची पाउडर कूट ली और इधर देखिए आप फ्रेंड्स ये भी करीब करीब हो गया है, तो अब मैं इसको भी गैस को बंद कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो अब ये इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ और इसमें जो है सूजी जो अब ठंडा हो गया है, मिल्क पाउडर जो है फ्रेंड्स इसको भी मैं इसमें मिला दूंगी। इससे थोड़ा सा ना मावा का फ्लेवर आएगा, मावा का टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो ये मैं मिला ली, अब मैं इसमें क्या करती हूँ, ये जो है चाशनी को मैं इसमें अब डाल देती हूँ। इसको पहले मैं मिला लेती हूँ। तो अब मैं गैस को जला लेती हूँ और मिनिमम पर कर देता हूँ। अब इसमें मैं इलायची पाउडर जो है उसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब कुछ भी, लेकिन हमारे हस्बैंड को थोड़ा इलायची ही अच्छा लगता है, मेरी बेटी को तो और दूसरा कुछ नहीं खाती है। तो मैं इलायची पाउडर डालती हूँ, 2-3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिनिमम पर 2-3 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। तो इसको 2-3 मिनट तक, जब तक ये पैन ना छोड़े तब तक मैं चलाती रहूँगी। इस स्टेज पर आप 2 चम्मच घी फिर मैं डाल देती हूँ, तो घी का फ्लेवर ऊपर से आ जाए निखर कर। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये पक चुका है, घी छो रहा है। तो आप लोग वैसे तो नॉन स्टिक में बनाएगा तो ऐसा ही पता चल जाएगा, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा रख लीजिएगा और थोड़ा ठंडा करके मिनिमम पर कर दीजिएगा। मैं गैस को मिनिमम पर कर दी हूँ, थोड़ा ठंडाने के बाद आप इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब। तो देखिए फ्रेंड्स अगर ऐसा बर्तन नहीं रहे तो आप इसको देखिए, जब हाथ में नहीं चिपके
नहीं ना चिपक रहा है, गोला जैसे बन गया है, इसका मतलब पक चुका है। अब मैं इस स्टेज पर गैस को बंद कर देती हूँ। और मैं ये ग्रीस किया हुआ जो पैन है, सॉरी प्लेट, उसमें मैं डाल देती हूँ। देखिए कितना सुंदर से आ गया सारा। इस तरह से इसमें मैं थोड़ा सा पतला ही बना रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा घी मैं इसमें चमचा में लगा ली हूँ। और इससे आपको क्या करती हूँ, इस तरह से मैं पतला पतला बर्फी में बनाऊंगी। और इस स्टेज पर आपको मैं, आप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज सीड्स वगैरह में डाल रही हूँ। तो ये वाटर मिलन, पम्पकिन और सनफ्लावर कुछ सीड वगैरह है, तो इसको मैं इस पर अच्छा से, ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं जो आप लोग की इच्छा हो। इस तरह से मैं इस पर कर देती हूँ और इसको जब ठंडा, एक दो घंटा के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और एक दो घंटा के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रख देती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक घंटा से थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन मैं जल्दी से काट देती हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, गर्मी बहुत है। तो एक घंटा हो गया, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको देखिए निशान लगा देती हूँ इस तरह से। थोड़ा देर और होगा लेकिन अभी टाइम, इस तरह से मैं अपना आकार में जिस आकार से आप लोग को काटना है उस, और मैं इस तरह से, आप लोग अपना आकार में काट लीजिएगा जिस आकार को इच्छा हो। मैं काट करके सारा काट करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने सारे को काट ली हूँ और मैं निकालती हूँ। तो इस तरह से आराम से थोड़ा सा सेट और होगा। इस तरह से मैं सारे को निकाल करके, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निकल गया। अब मैं इसको मिठाई के डिब्बा में इस तरह से मैं सेट कर लूँगी। तो फाइनली इस तरह से मैंने सारे को, देखिए फ्रेंड्स, निकाल करके इसमें इस तरह से मैं लगा ली हूँ। देखिए ये कम से कम दो घंटा के बाद ही आप लोग काटिएगा। हम एक ही घंटा में काट लिए हैं, दो तीन घंटा हो जाए तो आप लोग काटिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये मेरा सूजी का बर्फ बन करके रेडी है। और इस तरह से डिब्बा बंद करके मैं फ्रिज में इसको डाल दूंगी। 15 दिन तक भी खाइएगा, महीनों भी खाइएगा तो नहीं खराब होगा, लेकिन 15-20 दिन जरूर चलेगा। तो ये रक्षाबंधन स्पेशल मैं सूजी का बर्फ बनाई हूँ, तो आप लोग इस तरह से बनाइए। अगर जब ये थाली में चिपक जाए ना तो थोड़ा सा नीचे से गैस दिखा दीजिएगा, नहीं तो अपने आप गर्मी अपने आप भी निकल जाता है। और मेरा इस तरह के वीडियो देखने के लिए लोग, आप लोग अपन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले रेसिपी में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, हैव ए गुड डे। तो देखिए फ्रेंड्स।